हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। चलिए, अभी हमने एडवर्ब में हमने पढ़ लिया सिंपल एडवर्ब्स, इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स और रिलेटिव एडवर्ब्स, राइट। तो काइंड्स ऑफ एडवर्ब्स हमने तीन टाइप के एडवर्ब्स पढ़े थे। सिंपल एडवर्ब्स में सेवन टाइप के एडवर्ब्स पढ़े थे हमने, जैसे एडवर्ब ऑफ मैनर, प्लेस, टाइम, फ्रीक्वेंसी, डिग्री, रीजन एंड ऑल दैट, अफर्मेशन, नेगेशन एंड ऑल, राइट। तो सेवन टाइप के सिंपल एडवर्ब्स पढ़े थे हमने, देन इंट्रोगेटिव एडवर्ब, देन रिलेटिव एडवर्ब्स। फिर हमने पोजीशन ऑफ एडवर्ब्स की बात की थी कि अगर मैनर है, प्लेस है, टाइम है, फ्रीक्वेंसी है, तो कौन सी पोजीशन पर रहेंगे, कब रहेंगे। तो ये सब हमने एडवर्ब्स की पोजीशंस में पढ़ा था हमने पोजीशन ऑफ एडवर्ब टॉपिक में। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक एंड द लास्ट टॉपिक इज इन्वर्जन। वर्ब को हमने थ्री पार्ट में डिवाइड किया था, एक काइंड्स ऑफ एडवर्ब्स, एक पोजीशन ऑफ एडवर्ब्स और तीसरा हमने डिवाइड किया था इन्वर्जन में। इन्वर्जन शुरू करते हैं हम लोग। तो इन्वर्जन में देखें, इन्वर्जन का मतलब क्या होता है। तो इन्वर्जन का मतलब होता है, इस एग्जांपल पढ़ें, ये जो आपका डेफिनेशन दिया है ये पढ़ें हम। टू एम्फेसाइज, एम्फेसाइज ये इस चीज़ पे ध्यान दीजिए, एम्फेसाइज मतलब क्या होता है, जोड़ देना। टू एम्फेसाइज द सेंटेंस, एडवर्ब्स एंड एडवर्ब फ्रेजेज आर यूज्ड इन द स्टार्टिंग ऑफ द सेंटेंस। किसी सेंटेंस को एम्फेसाइज करने के लिए, जोड़ देने के लिए हम लोग एडवर्ब्स या एडवर्ब फ्रेजेज यूज करते हैं स्टार्टिंग ऑफ द सेंटेंस, सेंटेंस के स्टार्टिंग में, राइट। इन दिस केस, इस केस में वर्ब इज यूज्ड, सॉरी इन नहीं है, ये एक्चुअली इज है, वर्ब इज यूज्ड बिफोर द सब्जेक्ट। और इस केस में क्या करते हैं, जब एडवर्ब्स या एडवर्ब फ्रेजेस से सेंटेंस शुरू होता है स्टार्टिंग में, तो जो वर्ब होता है, वर्ब इज यूज्ड बिफोर द सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट से पहले हम लोग वर्ब लगा देते हैं। एंड पुटिंग द वर्ब बिफोर द सब्जेक्ट, एंड पुटिंग द वर्ब बिफोर द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट से पहले वर्ब का लगाना इज कॉल्ड इन्वर्जन, इसी को हम लोग इन्वर्जन कहते हैं। क्लियर है? इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इन्वर्जन कहते हैं। मतलब इन्वर्जन एक शॉर्ट फॉर्म में अगर बताऊं तो क्या होता है कि जब भी सेंटेंस आपका एडवर्ब से शुरू होता है, उस केस में हम लोग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले लगा देते हैं, इसी को हम लोग इन्वर्जन कहते हैं। नॉर्मल इंग्लिश सेंटेंस में पहले सब्जेक्ट होता है, देन वर्ब होता है, देन ऑब्जेक्ट होता है। इन्वर्जन केस में क्या होता है, पहले सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट नहीं होता है, पहले होता है वर्ब, देन सब्जेक्ट, देन ऑब्जेक्ट, और वर्ब के पहले आया क्या, एडवर्ब। मतलब इन्वर्जन तभी लगेगा जब सेंटेंस आपका एडवर्ब से शुरू होगा, राइट। चलिए, अब हम देखते हैं इन्वर्जन के टाइप कितने होते हैं। तो इन्वर्जन दो टाइप के होते हैं, दो पार्ट में डिवाइड किया गया। एक होता है पार्शियल इन्वर्जन, जिसमें बोलते हैं आंशिक इन्वर्जन, मतलब थोड़ा सा इन्वर्जन होता है, पूरा इन्वर्जन नहीं होता। इन्वर्ट मतलब होता है पूरा, उल्टा। और दूसरा है कंप्लीट इन्वर्जन, मतलब पूरा ही उल्टा कर दिया जाता है, राइट। दोनों में डिफरेंस क्या है वो देख लेते हैं हम लोग। तो पार्शियल इन्वर्जन का अगर हम देखें, तो पार्शियल इन्वर्जन क्या होता है, ऑक्सिलरी वर्ब प्लस सब्जेक्ट, मतलब सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब लगा देता है। ऑक्सिलरी वर्ब मतलब क्या हुआ, हेल्पिंग वर्ब, जैसे इज, एम, आर, वाज, वर, डू, डज, डिड, हैज, हैव, हैड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, ये सब जो होते हैं आपके हेल्पिंग वर्ब होते हैं। जैसे हिंदी बोले है, था, थे, थी, सकता है, सकती है, ये सब जो वर्ड्स हैं वो हेल्पिंग वर्ब्स हैं। और मेन वर्ब क्या होते हैं, आना जाना, खाना पीना, उठना बैठना, मारना पीटना, जितने नाना जी हैं सारे वर्ड्स क्या होते हैं, एडवर्ब्स, सॉरी वर्ब होते हैं, मेन वर्ब होते हैं। तो पार्शियल इन्वर्जन में क्या होता है, सब्जेक्ट के पहले हेल्पिंग वर्ब लगा देते हैं और मेन वर्ब नॉर्मली सब्जेक्ट के बाद आता है, उसे कहते हैं हम लोग पार्शियल इन्वर्जन। मतलब पूरा वर्ब नहीं लिया ना हमने सब्जेक्ट से पहले। जैसे एग्जांपल देखें आप, नो सुनर डिड आई रीच द स्टेशन देन द ट्रेन अराइव। तो नो सुनर, ये एडवर्ब सेंटेंस शुरू हुआ है, और आपको बताया मैंने जब एडवर्ब से शुरू होता है सेंटेंस, तो क्यों एडवर्ब शुरू करते हैं हम लोग, पहली बात कि सेंटेंस को एम्फेसाइज करने के लिए, जोड़ देने के लिए। दूसरी बात, अगर सेंटेंस को एडवर्ब से शुरू कर दिया है तो उसमें पक्का क्या लगेगा, इन्वर्जन लगेगा। इन्वर्जन लगेगा मतलब क्या हुआ, वर्ब को सब्जेक्ट से पहले लगाना है। तो नो सुनर के बाद क्या आएगा, डिड आई रीच, डिड आई रीच। तो देखिए, आई जो अब सब्जेक्ट है, आई के पहले क्या लगा दिया हमने, डिड, आई के पहले क्या लगाया हमने, डिड। तो आई के पहले हमने क्या लगा दिया, डिड, ये आपका ऑक्सिलरी वर्ब हो गया। रीच आपका जो मेन वर्ब है वो बाद में लगा सब्जेक्ट से, तो इस टाइप से आपका इन्वर्जन हो गया ये, राइट। नो सुनर आपका क्या हो गया, एडवर्ब हो गया। तो नो सुनर डिड आई रीच द स्टेशन देन द ट्रेन अराइव, मतलब स्टेशन पहुँचा था, ट्रेन आ गई। अब आपके एग्जाम में क्या करते हैं वो लोग, जो आपको दिखता नहीं है एरर, उसमें क्या करते हैं, नो सुनर आई और डिड हटा देते हैं, आई के बाद रीच की जगह रीच्ड कर देते हैं। डू, डज, डिड के बाद क्या आता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, रीच क्या है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, राइट। तो डिड, डू या डज के बाद हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है, लेकिन यहाँ अगर डिड हटा देते हैं और वो क्या करते हैं, नो सुनर आई रीच द स्टेशन देन द ट्रेन अराइव। लेकिन मीनिंग देखा जाए तो हिंदी में दोनों का सेम मीनिंग आता है, चाहे ये सेंटेंस पढ़ लें और चाहे जो सेंटेंस अब बोल रहा हूँ डिड को हटा करके। नो सुनर आई रीच द स्टेशन, मतलब मैं स्टेशन पहुँचा ही था, देन द ट्रेन अराइव, ट्रेन आ गई। और नो सुनर डिड आई रीच द स्टेशन देन द ट्रेन अराइव, अभी मैं स्टेशन पहुंचा ही था कि ट्रेन आ गई। दोनों का मीनिंग वाइज देखोगे हिंदी में बिल्कुल सही लगेगा, सेम लगेगा।
लेकिन जो दूसरा सेंटेंस मैंने बोला वो गलत है। सेंटेंस क्या सही होगा, नो सुनर लगा है ना, तो आई रिच्ड नहीं हो सकता। नो सुनर के बाद क्या आएगा, जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट से पहले क्या आना चाहिए, हेल्पिंग वर्ब आना चाहिए। तो यहाँ डिड जो आपका हेल्पिंग वर्ब आया, ऐसे आपका सेंटेंस सही होगा। तो नो सुनर डिड आई रिच द स्टेशन देन द ट्रेन अराइव, ये आपका एक्चुअल सेंटेंस होगा। ये हो गया पार्शियल इन्वर्जन। नाउ देखें हम लोग कंप्लीट इन्वर्जन। तो कंप्लीट इन्वर्जन में दो पार्ट होते हैं। पहला, मेन वर्ब सब्जेक्ट से पहले आ जाए। यदि मान लीजिए सब्जेक्ट आपका जो सेंटेंस है उसमें हेल्पिंग वर्ब है ही नहीं, सिर्फ मेन वर्ब है, तो क्या होगा, मेन वर्ब जो होगा सब्जेक्ट से पहले आ जाएगा, उसे हम लोग कहते हैं कंप्लीट इन्वर्जन। और दूसरा कंडीशन है जहाँ पे ऑक्सिलरी वर्ब भी हो, मतलब हेल्पिंग वर्ब भी हो और मेन वर्ब दोनों हो, तो दोनों ही सब्जेक्ट से क्या होगा पहले आएंगे, तो कहलाएगा कंप्लीट इन्वर्जन। तो कंप्लीट इन्वर्जन में दो पार्ट हो सकते हैं। पार्शियल इन्वर्जन में क्या होता है, सिर्फ आपका हेल्पिंग वर्ब सामने आता है सब्जेक्ट से, मेन वर्ब होगा तो बाद में आएगा, नहीं होगा तो बात ही खत्म, राइट। लेकिन आपका जो कंप्लीट इन्वर्जन वाली पार्ट है उसमें क्या होगा, यदि आपका हेल्पिंग वर्ब नहीं, सिर्फ मेन वर्ब है तो मेन वर्ब सब्जेक्ट से पहले आएगा, यदि हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों हैं तो दोनों ही सब्जेक्ट से पहले आएगा। एग्जांपल देखें यहाँ भी, हेयर कम्स मोहन। अब यहाँ पे हेयर क्या है, एडवर्ब ऑफ प्लेस। कम्स क्या हो गया, आना जाना खाना पीना, बताया ना आपको, ये क्या हो गया एमवी, एमवी मतलब मेन वर्ब। मोहन क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। तो हेयर कम्स मोहन, ये देखो मोहन आ गया, तो ये सेंटेंस को जोड़ देने के लिए यूज़ किया जा रहा है। देखो मोहन आ गया तो जोड़ दे रहा हूँ उस चीज़ पर, ये मोहन कम्स हेयर मतलब मोहन यहाँ आता है, ये नॉर्मल लगता है, बट हेयर कम्स मोहन, ये लो मोहन आ गया, तो ये जोड़ देने के लिए यूज़ कर रहे हैं हम लोग, राइट, एम्फेसाइज करने के लिए। तो हेयर हो गया एडवर्ब ऑफ प्लेस, देन कम्स हो गया मेन वर्ब, देन मोहन हो गया सब्जेक्ट। सब्जेक्ट से पहले मेन वर्ब आना, जो हमने पहला पढ़ा था मेन वर्ब सब्जेक्ट ये वाला। नाउ सेकेंड एग्जाम्पल देखें, एग्जाम्पल बी, जस्ट आउटसाइड द गेट वॉज स्टैंडिंग अ बेगर। अब इसका मतलब होता है कि ठीक गेट के बाहर एक भिखारी खड़ा था, तो हम लोग हिंदी में बोलते ठीक गेट के बाहर एक भिखारी खड़ा था। तो हम लोग जब इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं तो हम लोग बनाते हैं जस्ट आउटसाइड द गेट अ बेगर वॉज स्टैंडिंग, बट वो सेंटेंस गलत है। अब बेगर वॉज स्टैंडिंग नहीं होगा, क्या आएगा, वॉज स्टैंडिंग अ बेगर, क्योंकि बेगर क्या हो गया आपका सब्जेक्ट हो गया। जस्ट आउटसाइड द गेट क्या हो गया, एडवर्ब ऑफ प्लेस हो गया, बता रहा हूँ जस्ट आउटसाइड द गेट, ठीक गेट के बाहर जगह बता रहा है वो, एडवर्ब ऑफ प्लेस हो गया। तो यहाँ पर क्या होगा, बेगर वॉज स्टैंडिंग नहीं होगा, यहाँ पर वॉज ऑक्सिलरी वर्ब है, स्टैंडिंग आपका मेन वर्ब है, ये दोनों ही जो हैं वो सब्जेक्ट बेगर से पहले आएंगे, राइट। तो इस टाइप से आपका कंप्लीट इन्वर्जन होता है, जिसमें आपका मेन वर्ब है तो मेन वर्ब पहले आएगा, यदि हेल्पिंग वर्ब है और मेन वर्ब दोनों हैं तो दोनों ही क्या होगा सेंटेंस से आपके सब्जेक्ट से पहले आएगा, राइट। चलिए ये हो गया आपका इन्वर्जन का पार्ट, जिसमें आपने पढ़ लिया कि एक होता है पार्शियल इन्वर्जन, एक होता है कंप्लीट इन्वर्जन। नाउ इन्वर्जन के कुछ रूल्स हैं, टोटल हम लोगों ने 11 रूल्स निकाला है जो हम पढ़ेंगे कि कहाँ कहाँ पे कैसे यूज करा जाता है। तो 11 रूल्स को हम लोग वन बाय वन देखते हैं, राइट। तो देखिए हम पहला रूल क्या है, रूल नंबर वन कहता है व्हेन अ सेंटेंस स्टार्ट्स विथ एडवर्ब्स लाइक नो सूनर, हार्डली, सेल्डम, स्कैर्सली, नेवर, रेयरली एक्सेट्रा, राइट, देन इन्वर्जन इज यूज, तो इन्वर्जन लगाया जाता है। जैसे एग्जाम्पल देखें, आप पहला एग्जाम्पल दिया है, नो सूनर डिड आई लीव द ऑफिस देन इट बिगेन टू रेन। नो सूनर डिड आई लीव द ऑफिस देन इट बिगेन टू रेन। अब यहाँ देखें, नो सूनर जो है ये क्या हो गया, ये लिखा है यहाँ पे नो सूनर, ये क्या हो गया आपका एडवर्ब हो गया, सेंटेंस एडवर्ब शुरू हुआ। तो डिड आई लीव द ऑफिस मतलब मैं ऑफिस के लिए निकला ही था, देन इट बिगेन टू रेन की बारिश शुरू हो गई। अब यहाँ पे देखें, आई आपका हो गया सब्जेक्ट, डिड हो गया हेल्पिंग वर्ब, लीव हो गया मेन वर्ब। तो सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब का आना, ये क्या हो गया इन्वर्जन हो गया, ये पार्शियल इन्वर्जन हो गया, राइट। नेक्स्ट सेंटेंस एग्जांपल देखें आप, नेवर डू दे गो देयर। अभी नेवर क्या हो गया, ये भी आपका एडवर्ब हो गया, दे क्या हो गया सब्जेक्ट हो गया, डू क्या हो गया ऑक्सिलरी वर्ब हेल्पिंग वर्ब हो गया, गो क्या हो गया मेन वर्ब हो गया। तो देखिए सब्जेक्ट से पहले आपका हेल्पिंग वर्ब आया, सब्जेक्ट के बाद आपका मेन वर्ब आया, तो ये भी क्या हो गया पार्शियल इन्वर्जन हो गया, राइट। नेक्स्ट देखें आप, सेल्डम हैड आई कॉल्ड हर, शायद ही मैंने कभी उसको बुलाया होगा, है ना, सेल्डम हैड आई कॉल्ड हर, शादी को बुलाया था उसको मैंने। तो सेल्डम क्या हो गया एडवर्ब हो गया, जब सेंटेंस एडवर्ब शुरू होता है तो आपको कन्फर्म पता है क्या होना चाहिए, इन्वर्जन लगता है। सेल्डम आई हैड कॉल्ड हर नहीं होगा, यहाँ क्या होगा सेल्डम हैड आई कॉल्ड हर। अच्छा कई लोग लगता है हैड आई कॉल्ड हर सर, ये तो आपका क्वेश्चन बन गया, क्योंकि नॉर्मली सब्जेक्ट से पहले यदि हमने वर्ब लगा दिया तो क्वेश्चन बन जाता है। जैसे ही इज कमिंग तो हमने बना दिया इज ही कमिंग, इज को पहले लगा दिया तो क्वेश्चन बन जाता है। बट ध्यान रखिएगा, जब सेंटेंस आपका एडवर्ब से शुरू होता है उस केस में हैड आई कॉल्ड हर मतलब क्या मैंने उसे बुलाया था, ये क्वेश्चन नहीं बना,
हैड आई कॉल्ड हर क्वेश्चन है, बट आगे अगर लिखा है सेल्डम, सेल्डम एडवर्ब लगा है ना आगे, यदि आगे एडवर्ब से सेंटेंस शुरू हो रहा है और उसके बाद लिखा है हैड आई कॉल्ड हर, तो ये तो इन्वर्जन का पार्ट हो जाता है कि सेंटेंस जब भी आपका एडवर्ब से शुरू होता है उस केस में आपका हेल्पिंग वर्ब वैसे भी क्या होता है, सब्जेक्ट से पहले लिया जाता है, और सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब का लेना जब एडवर्ब सेंटेंस शुरू होता है उसी को तो इन्वर्जन कहते हैं हम लोग। तो सेल्डम हैड आई कॉल्ड हर, शायद ही कभी मैंने उसे बुलाया था, तो यहाँ पे देखिए आई सब्जेक्ट हो गया, हैड आपका हेल्पिंग वर्ब हो गया, कॉल्ड आपका मेन वर्ब, तो ये भी क्या हो गया, सारे एग्जांपल किसके हो गए, पार्शियल इन्वर्जन का, जहाँ पे सिर्फ हेल्पिंग वर्ब पहले लिया गया है, मेन वर्ब बाद में लिया गया है, राइट। तो दिस वाज रूल नंबर वन। नाउ रूल नंबर टू देखते हैं हम लोग। तो रूल नंबर टू में यदि हम देखें चीज़ों को, तो इसमें देखें व्हेन अ सेंटेंस स्टार्ट्स विद ओनली, अब यहाँ ध्यान देना, अभी आपका सेंटेंस यदि ओनली से स्टार्ट हो, ओनली भी क्या हो गया आपका एडवर्ब है, राइट। तो व्हेन अ सेंटेंस स्टार्ट्स विद ओनली एडवर्बियल एक्सप्रेशंस, यदि ओनली वाले एडवर्बियल एक्सप्रेशन से शुरू होता है आपका सेंटेंस, उस केस में हम लोग क्या लगाते हैं, देन इन्वर्जन इज यूज, तो इन्वर्जन लगाया जाता है, जैसे लाइक ओनली यस्टरडे, ओनली लास्ट ईयर, ओनली देन, ओनली इन द वे, ओनली इन फ्यू कंट्रीज, ओनली आफ्टर अ ईयर, इस टाइप से ओनली वाले जितने भी आपके एडवर्बियल एक्सप्रेशंस हैं उस सब के साथ क्या लग जाता है हमारा, इन्वर्जन। तो देखें आप यहाँ पे पहला एग्जांपल, ओनली बाय वर्किंग हार्ड डिड निधि गेट सक्सेस, ओनली बाय वर्किंग हार्ड, अब ये क्या हो गया, एडवर्बियल एक्सप्रेशन हो गया स्टार्टिंग विथ ओनली, ओनली बाय वर्किंग हार्ड, अब यहाँ देखें क्या हो गया, इन्वर्जन लगना है, इन्वर्जन लगना है तो निधि क्या हो गया, निधि सब्जेक्ट हो गया, डिड क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया, गेट क्या हो गया, मेन वर्ब हो गया, तो ओनली बाय वर्किंग हार्ड ये आपका एडवर्बियल एक्सप्रेशन हो गया स्टार्टिंग विथ ओनली, तो उस केस में इन्वर्जन लगा, निधि आपका सब्जेक्ट हो गया, डिड क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया, तो हेल्पिंग वर्ब जो है सब्जेक्ट से पहले लगने वाला है, तो ये भी पार्शियल इन्वर्जन का केस हो गया, राइट। नेक्स्ट एग्जांपल देखें आप क्या दिया है, ओनली लास्ट मंथ, ओनली लास्ट मंथ ये भी एडवर्बियल एक्सप्रेशन हो गया स्टार्टिंग विथ ओनली, यहाँ भी क्या होगा, ही आपका सब्जेक्ट हो गया, डिड आपका हेल्पिंग वर्ब हो गया, गेट जो हो गया आपका मेन वर्ब हो गया, तो ओनली लास्ट मंथ, अब ऐसा नहीं बोल सकते हैं डिड ही गेट द जॉब होगा सही है, बट ऐसा नहीं बोल सकते हैं ओनली लास्ट मंथ ही गॉट द जॉब, अभी चाहे गेट का गॉड बना दिया और हमने पास्ट टेंस कर दिया, ओनली लास्ट मंथ ही गॉट द जॉब, पिछले महीने उसे जॉब मिली थी, तो ये गलत हो जाएगा, यहाँ पे आपको ध्यान रखना पड़ेगा ओनली से स्टार्ट हुआ है, एडवर्बियल फ्रेज दिया हुआ है, तो ही गॉट द जॉब नहीं होगा, क्या होगा, डिड ही गेट द जॉब, और बताया था आपको डू डज डिड लगाओ तो क्या होता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो गेट क्या हो गया, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो गया, राइट। तो इस टाइप से आपका रूल नंबर टू है कि यदि ओनली से स्टार्ट होता है, राइट, तो वहाँ पे क्या लगता है, ओनली वाले एडवर्बियल फ्रेजल एडवर्बियल एक्सप्रेशन के साथ क्या लगता है हमारा, इन्वर्जन लगता है। नाउ रूल नंबर थ्री, नाउ रूल नंबर थ्री क्या बोलता है देखते हैं हम लोग। रूल नंबर थ्री कहता है कि व्हेन इफ इज नॉट यूज इन द कंडीशनल क्लॉज टू एक्सप्रेस, कंडीशनल क्लॉज ध्यान देखिए, टू एक्सप्रेस अनफुलफिल्ड विश और डिजायर ऑफ प्रेजेंट और पास्ट, देन इन्वर्जन इज यूज्ड। अब इसका मतलब मैं आपको बताता हूँ क्या होता है कि यदि अनफुलफिल्ड विश और डिजायर, यहाँ से देखिए आप, अनफुलफिल्ड विश और डिजायर मतलब ऐसी कोई इच्छा, ऐसी कोई ख्वाहिश जो पूरी ना हुई, अनफुलफिल्ड हो, पूरी ना हुई हो, राइट, ऐसे कंडीशनल क्लॉज को एक्सप्रेस करने के लिए, राइट, अनफुलफिल्ड विश या डिजायर को एक्सप्रेस करने के लिए किसी कंडीशनल क्लॉज में यदि इफ़ का इस्तेमाल नहीं होता है, इफ़ नहीं लगाया जाता है, चाहे वो सेंटेंस आपका प्रेजेंट टेंस का हो, चाहे सेंटेंस आपका पास्ट टेंस का हो, तो अनफुलफिल्ड विश और डिजायर मतलब कोई अधूरी इच्छा या मतलब या आपकी ख्वाहिश पूरी नहीं हुई हो, ऐसे को एक्सप्रेस करने के लिए किसी कंडीशनल क्लॉज में नॉर्मली हम लोग इफ़ का इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो प्रेजेंट का हो चाहे पास्ट में अगर बात करनी हो, तो यदि प्रेजेंट और पास्ट की बात करने के लिए अनफुलफिल्ड विश और डिजायर के लिए एक्सप्रेस करने के लिए कंडीशनल क्लॉज में यदि इफ़ का इस्तेमाल नहीं किया गया हो, तो उस केस में भी इन्वर्जन लगता है। मतलब कैसा हुआ, एग्जाम्पल देखें समझ में आएगा आपको, यहाँ एग्जांपल देखें आप, इफ़ आई हैड, नॉर्मली सेंटेंस ऐसे शुरू होता है इफ़ आई हैड, राइट, तब देखिए यहाँ पे इफ़ से सेंटेंस शुरू होता है तो पहले सब्जेक्ट आता आई, देन आता आपका हेल्पिंग वर्ब हैड, राइट, तो इफ़ आई हैड तो पहले इफ़ देन आई देन हैड ऐसा लगता है, बट अगर हमने इफ़ का इस्तेमाल नहीं किया, इफ़ इस्तेमाल नहीं किया तो क्या आएगा, हैड आई, मतलब हैड के बाद आई आएगा, आई के बाद हैड नहीं आएगा, हैड के बाद आई आएगा, इस तरह से इफ़ आई वर नहीं बोला हमने तो क्या आएगा, वर आई, अगर इफ़ का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं तो इफ़ हटा देंगे तो इन्वर्जन लग जाता है, मतलब सब्जेक्ट के पहले ही आपका वर्ब लग जाएगा, नॉर्मली क्या होता है आई हैड, इफ़ के बाद देखिए क्या लगा था, आई हैड, आई के बाद हेल्पिंग वर्ब लगा था, यहाँ इफ़ आई वर्ब में भी आई के बाद आपका हेल्पिंग वर्ब वर लगा था, लेकिन अगर इफ़ को हटा देते हैं तो यहाँ देखिए इधर क्या लगा, हैड आई, यहाँ क्या लगा, वर आई। एग्जाम्पल समझते हैं आपको और अच्छे समझ में आएगा, इफ़ आई वर अ बर्ड
आई वुड फ्लाई टू यू। ये पहला एग्जांपल देखें, इफ़ आई वर ए बर्ड, यदि मैं चिड़िया होता आई वुड फ्लाई टू यू, तो मैं तो वहाँ पर उड़ के चला होता, राइट। तो यहाँ पे देखें, अगर इफ़ को हमने हटा दिया तो यही मीनिंग आएगा दूसरे सेंटेंस में भी, लेकिन वो इन्वर्जन कहलाएगा। यदि हमने इफ़ को हटा दिया सेम सेंटेंस में तो कैसा बन जाएगा, वर आई बर्ड, वर आई अ बर्ड, सॉरी ए छूट गया यहाँ पे, वर आई अ बर्ड, यदि मैं एक चिड़िया होता आई वुड फ्लाई टू यू, तो मैं उड़ के वहाँ पर चला आता, आई वुड फ्लाई टू यू, टू छूट गया यहाँ पे, टू यू, आई वुड फ्लाई टू यू, राइट। तो यहाँ पे आपने देखा आपने कि इफ़ को यदि हटा दिया, इफ़ आई वर ए बर्ड, क्योंकि ये क्या है, अनफुलफिल्ड डिजायर है, आपकी इच्छा पूरी नहीं हुई, कोई सच्चाई नहीं है, ये कंडीशनल क्लॉज है, यदि मैं चिड़िया होता तो मैं तो वहाँ पर उड़ के चला आता, लेकिन मैं चिड़िया तो हूँ नहीं, राइट, और ये मेरी ख्वाहिश पूरी नहीं हुई है, अनफुलफिल्ड है, राइट, कंडीशनल भी है और अनफुलफिल्ड भी है। तो ऐसा एक्सप्रेस करने नॉर्मली हम लोग इफ़ का इस्तेमाल करते हैं कंडीशनल क्लॉज में, लेकिन यदि कंडीशनल क्लॉज में इफ़ का इस्तेमाल नहीं किया गया है तो हम लोग बोलते हैं वर आई। इसी तरह से दूसरा सेंटेंस देखें, इफ़ सी हैड कम टू मी, यदि वो मेरे पास आई होती आई वुड हैव हेल्प्ड हर, तो मैंने उसकी मदद किया होता। अब यहाँ पे अगर इफ़ को हटा देता हूँ मैं तो क्या बनेगा, हैड सी कम टू मी, मतलब सी हैड की जगह क्या हो जाएगा, हैड सी, उल्टा हो जाएगा, इन्वर्जन हो जाएगा, हैड हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगा, कम मेन वर्ब बाद में आएगा और सी सब्जेक्ट जो है बीच में हो जाएगा। तो हैड सी कम टू मी आई वुड हैव हेल्प्ड हर, यदि मेरे पास आई होती तो मैंने उसका मदद किया होता। तो मीनिंग सेम आएगा बट आपको कंडीशन ध्यान रखना पड़ेगा, यदि कंडीशनल क्लॉज होता है इफ़ से इस्तेमाल होने वाला वर्ड होगा उस केस में, यदि इफ़ नहीं लगाएंगे तो हम लोग को इन्वर्जन यूज़ करना पड़ेगा, राइट। नेक्स्ट देखते हैं रूल नंबर 4। अब देखें रूल नंबर 4 क्या कहता है, रूल नंबर 4 कहता है, इन ए सेंटेंस इफ़ ए सेंटेंस स्टार्ट्स विद एडवर्ब्स ऑफ प्लेस, ये ध्यान रखिए आप, एडवर्ब्स ऑफ प्लेस लाइक हेयर देयर एनी वे आउटडोर इनडोर आउटडोर अप एक्सेट्रा, इस टाइप से आपको एडवर्ब्स ऑफ प्लेस लगा जाता है, देन कंप्लीट इन्वर्जन इज यूज्ड। ये ध्यान रखिएगा एडवर्ब ऑफ प्लेस के साथ, आपने देखा एडवर्ब ऑफ मैनर थे हार्डली स्कैर्सली पहले वाले में, राइट, तो जो एडवर्ब्स ऑफ मैनर वगैरह हैं वहाँ पे तो हमने पार्शियल इन्वर्जन यूज़ किया, मगर इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि एडवर्ब्स ऑफ प्लेस से यदि सेंटेंस शुरू होता है तो नॉर्मली हमारा क्या होता है, कंप्लीट इन्वर्जन होता है। कंप्लीट इन्वर्जन हमने पढ़ा था क्या होता है, मतलब यदि आपका मेन वर्ब है तो सब्जेक्ट से पहले आता है, यदि हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों हैं तो दोनों ही सब्जेक्ट से पहले आता है, जबकि पार्शियल में क्या होता है, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब सामने आता है और बाकी सब्जेक्ट के बाद आपका मेन वर्ब आता है, राइट, यदि हो तो यहाँ पे देखें एक चीज़ और आपको ध्यान देना पड़ेगा, व्हेन सब्जेक्ट इज नाउन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि यदि आपका सब्जेक्ट नाउन है तो ही ये रूल फॉलो होता है, यदि एडवर्ब्स ऑफ प्लेस शुरू होता है तो कंप्लीट इन्वर्जन होता है, राइट। तो यहाँ देखें पहला एग्जांपल, हेयर कम्स मोहन, ये लो मोहन आ गया, तो जोर दे रहे हम लोग, एक तो एम्फेसाइज कर रहे हैं, हेयर क्या हो गया एडवर्ब ऑफ प्लेस हो गया, कम्स क्या हो गया मेन वर्ब हो गया, मोहन क्या हो गया नाउन है और सब्जेक्ट है, राइट। तो सब्जेक्ट से पहले क्या आ गया, मेन वर्ब हो गया, सब्जेक्ट से पहले मेन वर्ब हो गया, राइट, तो ये क्या हो गया, इन्वर्जन हो गया। अगला एग्जांपल है, अवे वेंट दीपक, मतलब दीपक दूर चला गया, ठीक है, दीपक क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया और नाउन भी है, वेंट आपका मेन वर्ब है, गो वेंट गॉन, तो गो का जाने का मेन वर्ब है वेंट, अवे क्या हो गया दूर, ये क्या हो गया एडवर्ब ऑफ प्लेस हो गया, तो एडवर्ब ऑफ प्लेस सेंटेंस शुरू हुआ तो क्या हुआ, अवे वेंट दीपक, अवे दीपक वेंट नहीं होगा, या हेयर मोहन कम्स नहीं होगा, राइट। तो इस टाइप से आप ध्यान रखें। तो आगे नेक्स्ट देखें आप, देयर वेंट सारा, सारा अली खान पता ही है एक्ट्रेस हैं, तो देयर वेंट सारा, वहाँ सारा गई, राइट, तो यहाँ सारा क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, वेंट गो वेंट गॉन बताया ना आपको, ये मेन वर्ब हो गया, और देयर हेयर देयर वेयर ये क्या हो गया आपका एडवर्ब ऑफ प्लेस हो गया। तो एडवर्ब ऑफ प्लेस से शुरू होता है सेंटेंस तो क्या बन जाता है, कंप्लीट इन्वर्जन लगता है, मतलब सारा सब्जेक्ट हो गया, जितने भी आपके नाउन सब्जेक्ट हैं इन सबके पहले क्या लगा है, मेन वर्ब लगा है, राइट। तो जितने भी आपके ये नाउन सब्जेक्ट्स हैं उन सबके पहले क्या लगा है, मेन वर्ब लगा है, तो इसे कहते हैं हम लोग कंप्लीट इन्वर्जन। बट इसमें भी आपको एक चीज़ ध्यान रखना पड़ेगा, बट व्हेन सब्जेक्ट इज प्रोनाउन, अभी नाउन की बात कर रहे थे, यदि एडवर्ब ऑफ प्लेस से शुरू हो रहा सेंटेंस, राइट, तो नॉर्मली हम लोग इन्वर्जन लगाते हैं, बट यदि सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है वो प्रोनाउन है देन मेन वर्ब इज यूज्ड आफ्टर द सब्जेक्ट, मतलब मेन वर्ब जो होता है सब्जेक्ट के बाद लगेगा, मतलब नॉर्मल सेंटेंस क्या होता है इंग्लिश का कि सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब जो भी होता है वो होता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट होता है, राइट। तो आपका नॉर्मल कंडीशन रहेगा, इसमें आपका इन्वर्जन नहीं लगता है यदि सेंटेंस में क्या है, प्रोनाउन है नाउन की जगह पे। तो जैसे देखें आप एग्जांपल, हेयर ही कम्स, तो हेयर कम्स ही नहीं होगा यहाँ पे, क्योंकि ही क्या है, प्रोनाउन है, जबकि सेंटेंस आपका हेयर अवे देयर जो हमने पहले पढ़ा था, हेयर अवे देयर ये आपका एडवर्ब ऑफ प्लेस है, इनसे ही शुरू हो रहा है इधर भी, लेकिन डिफरेंस क्या हो रहा है, वहाँ पे मोहन दीपक सारा नाउन थे, तो इसलिए कम्स वेंट वेंट जो है
आपका वर्ब जो है मेन वर्ब मोहन, दीपक और सारा से पहले आए थे, बट यहाँ पे ही और सी लगा हुआ है, ये एक प्रोनाउन है। ये जो ही और सी लगा हुआ है ये क्या है, ये प्रोनाउन है। तो प्रोनाउन के केस में क्या होता है, कम्स वेंट गोज जो आपका मेन वर्ब है वो उनके बाद आएगा। मतलब क्या हो जाएगा, हेयर ही कम्स ये वो आ गया, अवे ही वेंट दूर चला गया, देयर सी गोज ये गई वो वहाँ पे, राइट। तो यहाँ पे आपने देखा कि आपका यहाँ पे नॉर्मल सेंटेंस बना, मतलब सब्जेक्ट के बाद वर्ब लगा है, राइट। नाउ रूल नंबर 5, रूल नंबर 5 देखें आप, तो व्हेन अ सेंटेंस स्टार्ट्स विथ नो एक्सप्रेशन, नो एक्सप्रेशन मतलब ऐसा एक्सप्रेशन, एडवर्बियल एक्सप्रेशन जिसमें बीच में क्या लगाया, नो लगाया। जैसे कि एग्जांपल देखें, एट नो टाइम, अंडर नो सर्कमस्टेंसेस, इन नो वे, किसी भी तरीके से नहीं, ऑन नो अकाउंट, ऑन नो कंडीशन एक्सेट्रा, देन इन्वर्जन यूज। तो नो एक्सप्रेशन वाले एडवर्बियल एक्सप्रेशंस होंगे उस केस में भी अब क्या लगता है, इन्वर्जन यूज किया जाता है। जैसे एग्जांपल देखें आप, अंडर नो सर्कमस्टेंसेस, ये आप अंडर नो सर्कमस्टेंसेस ये क्या हो गया, नो एडवर्बियल एक्सप्रेशन हो गया। विल दे डू इट, मतलब किसी भी कंडीशन में वो ये काम नहीं करने वाले, तो विल क्या हो गया आपका, क्या हो गया आपका ऑग्जिलरी वर्ब हो गया। दे क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। डू क्या हो गया, मेन वर्ब हो गया। तो यहाँ भी देखें, सब्जेक्ट से पहले आपको क्या लग गया, ऑग्जिलरी वर्ब लग गया, राइट, हेल्पिंग वर्ब लग गया विल। तो ये आपका क्या हो गया, पार्शियल इन्वर्जन हो गया। ये भी पार्शियल इन्वर्जन केस है, क्योंकि मेन वर्ब जो डू है वो बाद में लगा सब्जेक्ट के, दे के बाद लगाया। इसी टाइप से इन नो वे, यहाँ भी देखें नो वाला एडवर्बियल एक्सप्रेशन है, इज़ ही गोइंग देयर, किसी भी तरीके से वो वहाँ नहीं जा रहे। नॉर्मली क्या होता है, इन नो वे ही इज़ गोइंग देयर, हम लोग हिंदी में ऐसा बोल रहे थे, मतलब अगर हम नॉर्मल बात करते हैं तो बोलते हैं इन नो वे ही इज़ गोइंग देयर, तो ही इज़ गोइंग देयर नहीं होगा, इन नो वे इज़ ही गोइंग देयर। हमें लगता है इज़ ही गोइंग देयर तो क्वेश्चन हो गया, बट ऐसा क्वेश्चन नहीं बना, क्योंकि इन नो वे क्या है, एडवर्बियल फ्रेज है, और जब एडवर्ब सेंटेंस शुरू होता है तो हेल्पिंग वर्ब के लिए हमने सब्जेक्ट से पहले लिया हुआ है, तो क्वेश्चन नहीं बनता है, बल्कि वो इन्वर्जन केस कहलाता है, स्ट्रेस देने के लिए, एम्फेसाइज करने के लिए, जोर देने के लिए हम लोग यूज करते हैं। इन नो वे इज ही गोइंग देयर, किसी भी कीमत पर वो नहीं जाने वाला वहाँ पे। नेक्स्ट एग्जांपल देखें, एट नो टाइम विल यू बी कॉल्ड, मतलब किसी भी समय में नहीं बुलाया जाएगा, एट नो टाइम विल यू बी कॉल्ड। अब यहाँ पे विल जो है वो यू से पहले लगा, यू क्या है, सब्जेक्ट है, विल पहले लगा हुआ है, यू बी कॉल्ड, कॉल्ड क्या हो गया, मेन वर्ब हो गया, ये भी पार्शियल इन्वर्जन है। नेक्स्ट एग्जांपल देखें आप, एट नो टाइम विल आई बी देयर, मतलब बिल्कुल टाइम ही नहीं लगेगा, मैं आने ही वाला, पहुंचने वाला हूँ वहाँ पे, एट नो टाइम, यहाँ भी नो वाले एडवर्बियल एक्सप्रेशन है, तो यहाँ भी सब्जेक्ट आई जो है वो बीच में रहेगा, देन विल जो आपका एडवर्ब ऑक्सिलरी वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब, वो पहले रहेगा, विल आई विल बी देयर, यहाँ पे इस टाइप से बनेगा, यहाँ पे आपका कोई मेन वर्ब नहीं है, तो एट नो टाइम विल आई बी देयर। तो आपने देखा यहाँ पे जितने भी नो एक्सप्रेशन वाले एडवर्बियल फ्रेजेज हैं, यदि उनका इस्तेमाल करा जा रहा है तो हम लोग पार्शियल इन्वर्जन देखते हैं कि यहाँ पे क्या बन रहा है, पार्शियल इन्वर्जन लग जाता है, राइट। तो ये हो गए आपके 5 रूल्स। नाउ मूविंग ऑन टू द 6th रूल, 6th रूल भी बहुत इंपॉर्टेंट है, देखें इस चीज़ को, रूल पढ़ते हैं हम लोग। व्हेन अ सेंटेंस स्टार्ट्स विद प्लेस एक्सप्रेसिंग एडवर्बियल फ्रेजेस, अब ये भी प्लेस एक्सप्रेसिंग, मतलब प्लेस को बताने वाले एडवर्बियल फ्रेज अगर यूज करते हैं, जैसे ऑन ए हिल, राउंड द कॉर्नर, इन द वैली, अंडर द टेबल, अलॉन्ग द नॉर्दर्न फ्रंटियर, अलॉन्ग द सदर्न फ्रंटियर, ऑन द बेड, आउटसाइड द गेट, नो वेयर एल्स, 5 miles बियॉन्ड द स्कूल, अंडर द ट्री एक्सेट्रा, देन इन्वर्जन इज यूज। तो अगर हम इस टाइप से चीज़ें यूज करते हैं तो इन्वर्जन लगता है, राइट। अब इस चीज़ में एक चीज़ और आपको ध्यान देना पड़ेगा, नोट देखें आप, नोट पे ध्यान दें, एक तो समझ में आ गया, अगर एडवर्ब प्लेस वाले जितना भी एडवर्बियल एक्सप्रेशन हैं, ये जो हमने पढ़ा है, ऑन ए हिल, राउंड द कॉर्नर, इन द वैली, अंडर द टेबल एंड ऑल डैट, तो इस केस में हम लोग क्या लगाते हैं, इन्वर्जन लगाते हैं, इन्वर्जन का यूज होता है, इन्वर्जन इज यूज, राइट, ये दिया हमने। बट अभी हमें एक चीज़ और ध्यान देना पड़ेगा नोट में, व्हेन अ सेंटेंस स्टार्ट्स विथ प्लेस एक्सप्रेसिंग एडवर्बियल फ्रेजेस विथ, देखिए कम, ये वर्ड्स पे ध्यान दीजिए, कम, वॉक, लाई, स्टैंड, गो, अगर ये वर्ड्स लगे हुए हैं एज ए मेन वर्ब, कौन कौन से, कम, वॉक, लाई, स्टैंड, गो, राइट, अगर इस टाइप के एडवर्बियल फ्रेजेस में ये आपके मेन वर्ब लगे हुए हैं, देन कंप्लीट वर्ब इज यूज बिफोर द सब्जेक्ट,
तो हम लोग कंप्लीट वर्ब को सब्जेक्ट से पहले लेते हैं, मतलब पूरा कंप्लीट इन्वर्जन होता है। एंड इन दिस केस वी डोंट यूज डू डज डिड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि डू डज डिड का इस्तेमाल नहीं करते हैं। ये तो हमको पता है कि अगर आपका एडवर्ब ऑफ प्लेस शुरू होता है तो कंप्लीट इन्वर्जन होता है, बट अगर आपका सेंटेंस में जो मेन वर्ब है कम वॉक लाई स्टैंड गो अगर ये लगे हैं, चार पांच वर्ड लगे हैं, तो उस केस में हम लोग डू डज डिड का इस्तेमाल नहीं करते हैं। राइट, देखें एग्जांपल। अंडर द टेबल इज लाइंग ए कैट, अब यहाँ पे देखें क्या लगा हुआ है, लाइंग लगा हुआ है, तो अंडर द टेबल ये क्या हो गया, एडवर्ब ऑफ प्लेस हो गया। तो यहाँ पे इज जो है आपका ऑक्सिलरी वर्ब हो गया, लाइंग आपका मेन वर्ब हो गया, और कैट आपका क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। तो यहाँ देखें आपने कंप्लीट इन्वर्जन हुआ है, इज आपका हेल्पिंग वर्ब, लाइंग आपका मेन वर्ब, दोनों ही आपका कैट के पहले, कैट मतलब क्या हो गया हमारा सब्जेक्ट से पहले दोनों ही वर्ब लगे हुए, इज भी और लाइंग भी, इज आपका हेल्पिंग वर्ब हो गया, लाइंग आपका मेन वर्ब हो गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल है अंडर अ ट्री वॉज लाइंग एन ओल्ड मैन, अंडर अ ट्री, अब अंडर अ ट्री क्या हो गया, ये भी एक्सप्रेशन है एडवर्ब ऑफ प्लेस का, वॉज लाइंग एन ओल्ड मैन, अब ओल्ड मैन क्या हो गया, एन ओल्ड मैन, ये हो गया सब्जेक्ट, राइट, वॉज क्या हो गया हेल्पिंग वर्ब, लाइंग क्या हो गया मेन वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब में मेन वर्ब, तो दोनों ही जो है एन ओल्ड मैन के पहले लगा दिए गए, तो कंप्लीट इन्वर्जन हो गया यहाँ भी, ये सब कंप्लीट इन्वर्जन केस है। राइट, नेक्स्ट एग्जाम्पल है आउटसाइड द गेट वॉज स्टैंडिंग अ बेगर, ये हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, आउटसाइड द गेट ये भी क्या है आपका, क्या बता रहा है, एडवर्बियल एडवर्ब ऑफ प्लेस है, एक्सप्रेशन है, वॉज स्टैंडिंग अ बेगर, अब बेगर क्या हो गया सब्जेक्ट हो गया, वॉज आपका हेल्पिंग वर्ब हो गया, स्टैंडिंग आपका मेन वर्ब हो गया, तो स्टैंडिंग और वॉज दोनों जो हैं बेगर के पहले आने वाले हैं, ये भी कंप्लीट इन्वर्जन हो गया। नेक्स्ट है राउंड द कॉर्नर वेंट श्याम, मतलब श्याम पास में गया है, राउंड द कॉर्नर मतलब नियर बाई, तो राउंड द कॉर्नर वेंट श्याम, तो श्याम आपका हो गया सब्जेक्ट, राइट, यहाँ कोई आपका हेल्पिंग वर्ब दिखा नहीं, तो वेंट जो है गो का फॉर्म है, गो वेंट गॉन, राइट, सेकंड फॉर्म है, तो राउंड द कॉर्नर वेंट श्याम, तो राउंड द कॉर्नर श्याम वेंट नहीं होगा, या डिड श्याम वेंट नहीं होगा, डू डज डिड का इस्तेमाल नहीं करेंगे हम यहाँ पे, क्या राउंड द कॉर्नर वेंट श्याम, तो वेंट आपका मेन वर्ब जो पहले आ गया, श्याम जो सब्जेक्ट है वो बाद में आ गया, तो जितने भी केस देखें हमने ये सब क्या है कंप्लीट इन्वर्जन केस है, क्योंकि एडवर्बियल प्लेस का एक्सप्रेशन है ये पूरा, अंडर अ टेबल, अंडर अ ट्री, अंडर द आउटसाइड द गेट, राउंड द कॉर्नर एंड ऑल दैट, राइट। तो इस टाइप से हमने 6 रूल्स पढ़ लिए हैं। नाउ मूविंग ऑन टू द 7th रूल, 7th रूल देखें क्या है, व्हेन अ सेंटेंस स्टार्ट्स विथ सो प्लस एडवर्ब्स ऑफ मैनर देन इन्वर्जन इज यूज्ड, यदि आपका सेंटेंस जो है सो प्लस एडवर्ब्स ऑफ मैनर से इस्तेमाल होता है, मतलब सो के साथ एडवर्ब ऑफ मैनर भी लगाता है, देन इन्वर्जन यूज किया जाता है। एग्जाम्पल देखें आप सो वेल, अब देखिए यहाँ पे सो के साथ क्या लगा, वेल, वेल क्या हो गया एडवर्ब ऑफ मैनर है, सो क्या हो गया, लिखा यहाँ पे कि सो लगा है और साथ में एडवर्ब ऑफ मैनर लगा हुआ है, तो सो वेल, तो यहाँ पे क्या लगेगा इन्वर्जन यूज होगा, हमने पहली बात किया था इन्वर्जन यूज होगा उस केस में, सो वेल सी सैंग दैट एवरीवन गॉट मेसमराइज नहीं होगा, सो वेल डिड सी सिंग, डिड सी, सी हो गया आपका हो गया सब्जेक्ट, डिड हो गया हेल्पिंग वर्ब, और सिंग जो हो गया आपका मेन वर्ब, राइट। अब आपके एग्जाम में क्या दे देते हैं, कहाँ गलती हो जाती है आपसे बता रहा हूँ मैं, सो वेल, अब वो क्या करते हैं डिड हटा देते हैं और सी के बाद लगा देते हैं सैंग, सो वेल सी सैंग, वो इतना अच्छे से गाई उसने दैट एवरीवन गॉट मेसमराइज, कि हर कोई मंत्रमुग्ध हो गया, तो हमको एरर दिखता नहीं है इसके अंदर, बट आपको ध्यान रखना पड़ेगा अगर सो वेल मतलब सो के साथ यदि एडवर्ब ऑफ मैनर लगा हुआ है उस केस में इन्वर्जन लगाना था, सो वेल सी सैंग नहीं होगा, डिड सी सिंग होगा, तो डिड सी सिंग दैट एवरी वन गॉट मैसमराइज, समझ में आया एरर कहाँ आता है कैसे होता है, जो आपको समझ में दिखता नहीं है एग्जाम टाइम में। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखें आप, सो वेल डिड ही प्ले दैट एवरी वन एडमायर्ड हिम, तो यहाँ पर देखें सो वेल लगा हुआ है और यहाँ पर क्या होगा, ही प्लेड नहीं आएगा, क्या आएगा डिड ही प्ले, तो डिड आपका हेल्पिंग वर्ब हो गया, ही आपका सब्जेक्ट हो गया, प्ले आपका मेन वर्ब हो गया, और आपके एग्जाम में क्या देते हैं सो वेल ही प्लेड, इतने अच्छे से खेला उसने दैट एवरी वन एडमायर्ड हिम, कि हर किसी ने उसकी तारीफ करी, तो हमको एरर दिखता नहीं उसमें, बट आपको ध्यान रखना पड़ेगा सो वेल से शुरू हुआ है तो ही प्लेड नहीं होगा, डिड ही प्ले होगा, और डू डिड के बाद क्या आता है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, सिंग जो है वो भी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, प्ले जो है वो भी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में, राइट। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखें, सो रूडली डिड सी बिहेव, उसने इतना रूडली बिहेव किया दैट एवरीबडी डिसलाइक्ड हर, कि हर किसी ने उसको डिसलाइक किया, इसने इतने तरीके से बुरी तरह से व्यवहार किया, सो रूडली डिड सी बिहेव, अब यहाँ पे सो रूडली, तो रूडली क्या हो गया एडवर्ब ऑफ मैनर हो गया, सो लगा है, तो यहाँ पे क्या होगा सो रूडली सी बिहेव्ड नहीं होगा,
यहाँ क्या आएगा, डिड सी बिहेव, तो डिड आएगा पहले, देन सी सब्जेक्ट आएगा, डिड क्या हो गया हेल्पिंग वर्ब, सी हो गया सब्जेक्ट, देन बिहेव आपका मेन वर्ब हो गया, दैट एवरीबॉडी डिसलाइक्ड हर, कि हर किसी ने उसको नापसंद किया था, गॉट इट। तो यहाँ आपने देखा आपने कि सो के बाद एडवर्ब ऑफ मैनर अगर लगा जाता है देन इन्वर्जन का यूज़ किया जाता है, और ये सब में क्या हुआ है पार्शियल इन्वर्जन हुआ है, क्योंकि मेन जो कंप्लीट इन्वर्जन नॉर्मली किस में होता है एडवर्ब ऑफ प्लेस से शुरू होने वाले में होता है, राइट। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट रूल, दैट इज रूल नंबर 8। रूल नंबर 8 में आप देखें, व्हेन टू वर्ब्स आर जॉइंड बाय नॉट ओनली बट ऑल्सो एंड सेंटेंस स्टार्ट्स विथ नॉट ओनली देन इन्वर्जन इज यूज्ड विथ नॉट ओनली। अब यहाँ पे देखें हम नॉट ओनली बट ऑल्सो, ये जो हमने नॉर्मली पढ़ा है इसमें हमने नॉर्मली कहाँ पढ़ा है ये सब चीज़ें कंजंक्शन में पढ़ते हैं हम लोग, राइट। तो नॉट ओनली बाद बट ऑल्सो, इधर के बाद और, इधर के बाद नॉर। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, यदि दो वर्ब को ज्वाइन करने के लिए नॉट ओनली बट ऑल्सो यूज़ करते हैं सेंटेंस में, तो हम लोग नॉट ओनली के साथ इन्वर्जन यूज़ करते हैं, राइट। देखें आप जैसे सेंटेंस आपको स्टार्ट हुआ नॉट ओनली से, तो नॉट ओनली डिड सी सिंग बट ऑल्सो डांस। अब यहाँ देखें नॉट ओनली शुरू हुआ है, तो नॉट ओनली डिड सी सिंग, अब यहाँ पे सी क्या हो गया सब्जेक्ट हो गया, डिड आपका क्या हो गया ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब हो गया, सिंग क्या हो गया मेन वर्ब हो गया, तो यहाँ पे क्या हो गया पार्शियल इन्वर्जन हो गया, नॉट ओनली शुरू हुआ। सेकेंड एग्जाम्पल देखें, नॉट ओनली डिड सी सिंग बट ऑल्सो डांस, मतलब क्या हुआ ना केवल वो गाना गाती बल्कि डांस भी करती है, डांस भी किया उसने, मतलब ना केवल उसने गाना गाया बल्कि डांस भी किया। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, नॉट ओनली डिड कुणाल टीच, ना केवल कुणाल पढ़ाया बट ऑल्सो मोटिवेट, बट मोटिवेट भी करता है, राइट। तो नॉट ओनली डिड कुणाल टीच, अब यहाँ पे डिड क्या हो गया नॉट ओनली शुरू हुआ, तो कुणाल के बाद क्या आया टीच, टीच आपका मेन वर्ब हो गया, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, डू जो डिड का मेन का वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है, कुणाल क्या हो गया सब्जेक्ट हो गया, राइट। तो नॉट ओनली के बाद कुणाल टॉट नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा नॉट ओनली के बाद डिड कुणाल टीच, तो आपका यहाँ पे क्या हो गया पास्ट इन्वर्जन हो गया, कि नॉट ओनली के बाद आपका हेल्पिंग वर्ब लगा डिड, उसके बाद देन कुणाल सब्जेक्ट, देन टीच आपका मेन वर्ब। अब मैंने थर्ड एग्जांपल जानबूझ के दिया आपको समझाने के लिए, कि देखिए यहाँ पे क्या हुआ, शिल्पा नॉट ओनली केम बट ऑल्सो स्टेड हेयर विथ अस। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे आपका इन्वर्जन लगेगा क्या, नहीं लगेगा, क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि सेंटेंस आपका नॉट ओनली शुरू नहीं हुआ है, राइट। नॉट ओनली शुरू नहीं हुआ, व्हेन टू वर्ब्स आर जॉइंड बाय नॉट ओनली बट ऑल्सो एंड सेंटेंस स्टार्ट्स विथ नॉट ओनली, आपने कंडीशन क्या पढ़ा सेंटेंस स्टार्ट्स विथ नॉट ओनली, लेकिन यहाँ पे सेंटेंस किससे शुरू हो रहा है शिल्पा, सब्जेक्ट शुरू हो रहा है, तो शिल्पा नॉट ओनली केम, अब ऐसा नहीं होगा यहाँ पे कि शिल्पा नॉट ओनली केम है तो नॉट ओनली बाद इन्वर्जन लगेगा केम, तो केम नॉट ओनली, इस टाइप से कुछ भी नहीं बनेगा यहाँ पे, बट ऑल्सो स्टेड विथ अस। तो यहाँ पे देखिए आप, तो यहाँ पे इन्वर्जन नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ पे सेंटेंस स्टार्ट हुआ ही नहीं नॉट ओनली से, सेंटेंस किससे स्टार्ट हुआ है एक सब्जेक्ट से स्टार्ट हुआ है, एडवर्ब से स्टार्ट हुआ ही नहीं है, नॉट ओनली एडवर्ब था बट आपका एडवर्ब शुरू ही नहीं हुआ है, किससे शुरू हुआ है शिल्पा, शिल्पा क्या है नाउन है सब्जेक्ट है उससे शुरू हुआ, तो यहाँ पे इन्वर्जन नहीं लगेगा। ये एग्जांपल आपको मैंने जानबूझ के दिया था समझाने के लिए, यदि एडवर्ब शुरू होता है तो ही इन्वर्जन लगता है, एडवर्ब शुरू नहीं हुआ यहाँ पे इन्वर्जन नहीं लगेगा, तो ये नॉर्मल केस था, शिल्पा नॉट ओनली केम बट ऑल्सो स्टेड हेयर विद अस, शिल्पा ना केवल यहाँ आई बल्कि हमारे साथ रही भी, राइट। नेक्स्ट रूल नंबर 9 देखते हैं। रूल नंबर 9 कहता है, व्हेन अ सेंटेंस स्टार्ट्स विथ नीदर नॉर और सो देन इन्वर्जन इज यूज्ड, यदि सेंटेंस आपका नीदर नॉर या सो से स्टार्ट होता है देन इन्वर्जन इज यूज्ड, तो इन्वर्जन लगता है हमारा, राइट। लेकिन इसमें देखें आप एग्जांपल, ही वेंट देयर सो डिड आई, ही वेंट देयर, वो वहाँ गया था सो डिड आई, तो मैं भी गया, तो यहाँ पे देखें जो सो से स्टार्ट हुआ तो सो डिड आई, सो आई डिड नहीं होगा, तो सो के बाद आई सब्जेक्ट बाद में और डिड सब्जेक्ट से पहले, तो यहाँ पे इन्वर्जन लग गया, राइट। नेक्स्ट एग्जांपल देखें आप, आई डोंट लाइक सच पीपल, मुझे ऐसे लोग पसंद नहीं है, नॉर डज ही, और ना ही उसको पसंद है, आई डोंट लाइक सच पीपल, तो आई डोंट लाइक सच पीपल हो गया नॉर, यहाँ पे नॉर हुआ तो नॉर क्या हुआ, नॉर ही डज नहीं आएगा, नॉर डज ही, मतलब ही आपका सॉरी नॉर डज ही, तो यहाँ ही क्या हो गया आपका सब्जेक्ट हो गया और डज क्या हो गया हेल्पिंग वर्ब हो गया, तो नॉर से शुरू हुआ सेंटेंस ये भी, एक्चुअली क्या होता है छोटे छोटे सेंटेंस जो सेकंड पार्ट में शुरू होते हैं, तो वहाँ पे सेकंड पार्ट में इन्वर्जन लग रहा है, राइट। नेक्स्ट देखें आप, मनीषा डिड नॉट गो देयर, मनीषा वहाँ नहीं गई थी, नीदर डिड हिज ब्रदर, ना उसका भाई गया था, तो यहाँ पर क्या हुआ नीदर लगा हुआ है, राइट, जो हमने पढ़ा था नीदर नॉर सो, तो नीदर डिड हिज ब्रदर, तो हिज ब्रदर डिड ऐसा कुछ नहीं आएगा, क्या आएगा नीदर डिड, डिड आपका हेल्पिंग वर्ब हो गया पहले, देन हिज ब्रदर आपका हो गया क्या हो गया
सब्जेक्ट हो गया, तो इन्वर्जन लग जाता है यदि नीदर नॉर सोर से स्टार्ट हुआ हो तो। राइट, नाउ रूल नंबर टेन देखते हैं इसमें क्या दिया है। इन ए डायरेक्ट स्पीच व्हेन रिपोर्टिंग वर्ब इज यूज्ड आफ्टर द रिपोर्टेड स्पीच, यदि डायरेक्ट स्पीच आपने सुना होगा, डायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच, जो नरेशन पढ़ते हैं हम लोग, तो इन द डायरेक्ट स्पीच में व्हेन रिपोर्टिंग वर्ब मतलब जो रिपोर्टिंग करने वाला वर्ब है, जैसे ही सेड, उसने कहा, ऐसा होता है ना रिपोर्टिंग, मनोज सेड, मनोज ने कहा, शिल्पा सेड, शिल्पा ने कहा, तो रिपोर्टिंग वर्ब हो गया, इज यूज आफ्टर द रिपोर्टेड स्पीच। और रिपोर्टेड स्पीच क्या होता है, जो इन्वर्टर कॉमा के अंदर रहता है, जैसे आई विल गो देयर, ही विल कॉल मी, राइट। तो ये जो डायरेक्ट सेंटेंस होता है, मोहन इज गोइंग टू स्कूल, तो ये आपके जो आपका रिपोर्टेड स्पीच है, मतलब अंदर जो इन्वर्टर कॉमा के अंदर रहता है, तो इन द डायरेक्ट सब्जेक्ट में रिपोर्टिंग वर्ब इज यूज आफ्टर रिपोर्टेड स्पीच, यदि रिपोर्टेड स्पीच के बाद दिया है, नॉर्मली क्या होता है, हम लोग पहले लगाते हैं ना, जैसे ही सेड आई विल गो देयर, लेकिन हम बात कर रहे हैं यदि ऐसा लिखा है कि आई विल गो देयर, ही सेड या मोहन सेड, तो ये जो आपका रिपोर्टिंग वर्ब है, ये रिपोर्टेड स्पीच मतलब इन्वर्टर कॉमा वाले के बाद लग रहा है, एंड द सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब, और जो रिपोर्टिंग वर्ब का जो सब्जेक्ट है इज नाउन, मतलब ही सेड आई विल गो देयर, ऐसा नहीं, जो आपका रिपोर्टिंग वर्ब है उसमें नाउन लगा होना चाहिए। देखिए आप, उसमें क्या लगा होना चाहिए, नाउन लगा होना चाहिए रिपोर्टिंग वर्ब में, जो आपका रिपोर्टिंग वर्ब है उसमें क्या होना चाहिए, नाउन लगा होना चाहिए। जैसे आई विल गो देयर, मोहन सेड, यस सेड मोहन, वो पढ़ेंगे हम लोग बाद में, तो नाउन लगा होना चाहिए, देन इन्वर्जन इज यूज विद द रिपोर्टिंग वर्ब, तो रिपोर्टिंग वर्ब के साथ इन्वर्जन लगता है। देखते हैं एग्जाम्पल समझ में आएगा आपको एक एक करके। लेट हिम कम सेड विनय, लेट हिम कम, अब देखिए ये इन्वर्टर कॉमा के अंदर डाला हुआ है, ये क्या हो गया आपका रिपोर्टेड स्पीच, राइट। अब यहाँ पे सेड विनय, अब यहाँ विनय सेड नहीं होगा, अगर ये स्टार्टिंग में लगता है क्या होता है, विनय सेड लेट हिम कम, ऐसा बनता है अगर स्टार्टिंग में होता है, ये आपका जो सेड विनय लिखा है, अगर ये स्टार्टिंग में होता है, लेट हिम कम के पहले अगर यहाँ लगाना होता हमको, तो क्या बोलते हैं हम लोग, विनय सेड, विनय ने कहा, लेट हिम कम, उसे आने दो। बट अगर हमारा रिपोर्टेड स्पीच से, ये रिपोर्टेड स्पीच है इन्वर्टर कॉमा के अंदर जो रहता है, उसके बाद यदि हमने रिपोर्टेड वर्ब लगाया है, तो उस केस में यदि नाउन है, विनय क्या है, नाउन है, उस केस में जो है हमारा इन्वर्जन लग जाता है, और इन्वर्जन लग जाता है मतलब क्या हुआ, विनय सेड नहीं होगा, क्या आएगा, सेड विनय, सेड आपका मेन वर्ब हो गया बोलना, और विनय जो आपका सब्जेक्ट हो गया वो बाद में लगेगा। इसी तरह से दूसरा एग्जाम्पल देखें, आई कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम सेड मिताली, आई कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम, ये हो गया आपका रिपोर्टेड स्पीच जो इन्वर्टर कॉमा के अंदर है, सेड मिताली, अब मिताली क्या हो गया, नाउन हो गया, तो यहाँ भी क्या होगा, बाद में लगा है रिपोर्टिंग वर्ब जो है, ये बाद में लगा है, इन्वर्टर कॉमा के बाद लगा है, इन्वर्टर कॉमा के पहले नहीं लगा है, तो सेड मिताली होगा, मिताली सेड नहीं होगा, लेकिन अगर पहले लगा तो क्या होता है, मिताली सेड आई कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम, बट अभी क्या लगा, आई कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम, अब हमें आपको क्या लगाना है, रिपोर्टिंग वर्ब लगाना है, तो मिताली सेड नहीं होगा, अब यहाँ पे क्या बन जाएगा, सेड मिताली, तो ये सेड आपका मेन वर्ब हो गया, देन मिताली आपको क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, तो इसमें इन्वर्जन लग जाता है यदि नाउन है तो, राइट। बट आपको ध्यान रखना पड़े, इफ द सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब इज प्रोनाउन, मतलब आपको पहले भी एक बार बता चुका हूँ एग्जांपल में, यदि आपका जो सब्जेक्ट है वो रिपोर्टिंग वर्ब में इज प्रोनाउन, यदि प्रोनाउन है, ध्यान रखिएगा, अगर इसमें प्रोनाउन है देन इन्वर्जन इज नॉट यूज, तो इसमें इन्वर्जन नहीं लगता, नॉर्मल केस हो जाता है, फिर वो सिंपल सेंटेंस बनेगा। जैसे लेट हिम कम, ये देखिए ये आपका रिपोर्टेड स्पीच है, तब यहाँ पे ही सेड, अब देखें आप यहाँ पे ही सेड, राइट, तो यहाँ पे ही क्या हो गया, प्रोनाउन हो गया, तो सेड ही नहीं होगा, जैसे यहाँ पे है ना सेड विनय, हमने पढ़ा था सेड विनय, बट यहाँ पे सेड ही नहीं होगा, यहाँ क्या होगा, ही सेड, नॉर्मली मतलब प्रोनाउन, उसके बाद फिर सेड, मतलब सब्जेक्ट के बाद वर्ब आएगा, क्योंकि वर्ब का पहले आना सब्जेक्ट से, वही तो इन्वर्जन कहलाता है, लेकिन यहाँ पे इन्वर्जन नहीं होगा यदि प्रोनाउन है, तो नाउन होगा तो इन्वर्जन होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखें, आई कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम, जैसे पहले लिखा था आई कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम सेड मिताली, बट यहाँ पे मिताली नहीं है, यहाँ पे मिताली की जगह क्या कर दिया हमने, सी लिख दिया, प्रोनाउन लिख दिया, तो क्या होगा, आई कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम सी सेड, उसने कहा, सेड सी नहीं होगा, क्या होगा, शी सेड, राइट। तो इस टाइप से आपको ध्यान रखना पड़ेगा, डायरेक्ट स्पीच में यदि रिपोर्टेड स्पीच के बाद यदि आपका रिपोर्टिंग वर्ब लगा है और नाउन है तो इसमें इन्वर्जन लगेगा, यदि प्रोनाउन है तो इन्वर्जन नहीं लगेगा। नाउ द लास्ट रूल फॉर दिस इज रूल नंबर 11, अब हम इसको देखते हैं। व्हेन अ सेंटेंस स्टार्ट्स विथ टू सच, जैसे टू सच से अगर शुरू हो रहा है, स्टार्ट कोई हो रहा है सेंटेंस, जैसे देन इन्वर्जन इज यूज, तो इन्वर्जन लगता है, जैसे लाइक टू सच ए डिग्री, टू सच एन एक्सटेंट, राइट, टू सच ए पॉइंट, टू सच ए डिग्री, टू सच एन एक्सटेंट, टू सच ए पॉइंट, टू सच लेंस, एक्सेट्रा, तो इस केस में इन्वर्जन लगता है, इस केस में क्या लगता है,
इन्वर्जन लगता है यदि ऐसे सेंटेंस शुरू होता है तो। एग्जांपल देखें आप, टू सच ए डिग्री, टू सच ए डिग्री, ये लगा टू सच ए डिग्री, डिड देम मेक ए नॉइज, इतने हद तक उन्होंने आवाज़ किया दैट पीपल हेट देम, कि लोग उनसे नफरत करते हैं तो नफरत करने लगे। तो टू सच ए डिग्री डिड देम मेक ए नॉइज, तो डिड दे मेक ए नॉइज, तो यहाँ पे दे क्या हो गया सब्जेक्ट हो गया, डिड क्या हो गया ऑक्सिलरी वर्ब हेल्पिंग वर्ब हो गया, मेक ए नॉइज तो यह क्या हो गया आपका मेन वर्ब हो गया, राइट। तो टू सच ए डिग्री डिड दे मेक ए नॉइज, इतने ज़ोर से उन्होंने आवाज़ किया था दैट पीपल हेट देम, कि पीपल लोग नफरत करने लगे उनसे। तो यहाँ पे आपने देखा कि दे सब्जेक्ट हो गया, डिड आपका हेल्पिंग वर्ब हो गया, मेक ए नॉइज आपका मेन वर्ब बाद में आया। तो टू सच ए डिग्री अगर से आपने सेंटेंस शुरू किया है तो यहाँ पर क्या लगा है पार्शियल इन्वर्जन, राइट। नेक्स्ट एग्जांपल देखें, टू सच एन एक्सटेंट हैज मिसेस इफत चेक्ड द कंटेंट दैट नो एरर इज लेफ्ट। अब यहाँ पे देखें टू सच एन एक्सटेंट ये लगा हुआ है, तो मिस इफत हैज चेक्ड नहीं होगा, हैज मिस्टर इफत चेक, तो हैज पहले आएगा, मिस इफत जो है ये नाम है नाउन है तो ये सब्जेक्ट बाद में आएगा, एंड देन चेक्ड आपका मेन वर्ब बाद में आएगा, राइट। तो यहाँ पर क्या लगा पार्शियल इन्वर्जन। तो आपने देखा जब भी टू सच ए डिग्री टू सच एन एक्सटेंट अगर इसे सेंटेंस शुरू हो रहा है उस केस में भी हमको क्या लगाना है इन्वर्जन लगाना है। तो दिस वाज ऑल अबाउट एडवर्ब। तो एडवर्ब हमारा आज ख़त्म हो गया, जो थ्योरी पार्ट है वो ख़त्म हो गया, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो है एक्सरसाइजेस शुरू करेंगे जहाँ पर हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एडवर्ब को लेकर के, तो और जो कंसेप्ट आपके रह गए हैं वो भी क्लियर हो जाएंगे। सो थैंक यू वेरी मच गाइज, थैंक्स अ लॉट।